प्रदेश कांग्रेस समिति राजीव गांधी भवन खाते आप सब पत्रकार मित्रों प्रेस वार्ता में स्वागत छे। आज जारे गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता है एक संकल्प कर्यो छे परिवर्तन नो, अरे परिवर्तन ना संकल्प नी सामे भारतीय जनता पार्टी अने तंत्र जे प्रमाणे कार्य करी रह्यु छे ते बाबतनी आजनी आ प्रेस कॉन्फरन्स नी अंदर माननीय पवन खेड़ाजी उपस्थित रहेवाना हता, परंतु तेमनी नादुरस्त तबियतना लीधे तेओ आवी शक्या नथी अथवा तो मोडुं थाय एवुं छे। तो आलोक शर्माजीए समय साचवीने आपनी वच्चे उपस्थित छे, भारतीय राष्ट्रीय कोंग्रेसना प्रवक्ता साथे मारा साथी मित्र भाई हिरणभाई अने हिमाचल प्रदेशना मीडिया कर्मी माननीय भाई संजीव भाई शर्मा पण उपस्थित छे। हुं विनंती करीश श्री आलोक शर्मा ने के तेओ आपणने प्रेस वार्ता ने संबोधन करे। धन्यवाद हिमांत जी। मेरे साथ उपस्थित संजीव जी और ग्रेन बैंकर जी, पत्रकार बंधुओं का राजीव गांधी भवन के इस पत्रकार वार्ता में तहे दिल आभार एवं स्वागत। साथियों, जिस तरह से लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, उसी तरह से संवैधानिक संस्थाएं जो कार्यपालक संस्थाएं हैं उनका भी एक अहम रोल होता है। और जब से बीजेपी की सरकारें राज्यों में या केंद्र में आई हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर तमाम सवाल उठते रहे। आपने देखा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस करने में हिमाचल और गुजरात की जो डेट्स थी वो साथ के साथ अनाउंस होनी थी लेकिन नहीं हुई। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्हों के घेरे में इलेक्शन कमीशन रहा और हमने पहले भी इस बाबत पूरी आवाज उठाई। जब 5 राज्यों के चुनाव की डेट एक साथ अनाउंस हो सकती है, शेड्यूल एक साथ अनाउंस हो सकता है, तो यहां का क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जवाब आया वो पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। उसके बाद जिस तरह से तमाम मुद्दों के ऊपर हम बात करते रहे, अन्य राज्यों में भी चुनाव जब जब हुए सवालिया निशान लगे, किस तरह से ईवीएम होटलों में और बीजेपी के कैंडिडेट्स की गाड़ियों में पकड़ी गई लेकिन कहीं पर किसी की भी ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुजरात में चुनाव अनाउंस होने के बाद भी तमाम चीजें देखी जा रही, हमारे तमाम कैंडिडेट्स ने जगह जगह वहां पर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स की हैं कि जो गुजरात के विभिन्न विभागों का प्रशासन है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की मदद कर रहा है। इसकी सबसे पहली शुरुआत जो हुई MIM के कैंडिडेट्स के लिए, हमने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कंप्लेंट दाखिल की कि जो MIM के कैंडिडेट्स हैं उनके जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके समक्ष हमने एक बात रखी कि MIM जो है वो मेन जिसको कहते हैं आप शॉर्ट में वो नेशनल पार्टी नहीं है और उसके प्रपोजल जो हैं वो 2 प्रपोजल नहीं 10 प्रपोजल चाहिए। ये 5 कैंडिडेट्स हैं MIM के, राइटिंग में कंप्लेंट दी गई कि इनके 2-2 प्रपोजल्स नहीं, वहां पर उनको स्पॉन्सर किया है जबकि 10-10 होने चाहिए। और उसके बाबत हमने ये CCTV फुटेज नॉमिनेशन के दिन की भी भेजी कि कौन कौन लोग इसमें नॉमिनेशन के समय पर वहां पर थे, हमने ये फोटोग्राफ्स भी भेजे। कायदे से इनका सबका नॉमिनेशन कैंसिल होना चाहिए था, ना हमें कोई रिप्लाई मिला और ना ही उनका कोई नॉमिनेशन कैंसिल हुआ। इलेक्शन कमीशन को यह बहुत बड़ा विषय
हमने दिया जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। न्यायालय कैंडिडेट जाएंगे, चुनाव का रिजल्ट आएगा, समय निकल जाएगा। हम इलेक्शन कमीशन से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप तमाम सीसीटीवी फुटेज उस दिन की नॉमिनेशन भरने की निकालिए और मैच कीजिए, क्या 10 के 10 स्पॉन्सर वहां गए थे नॉमिनेशन भरवाने या नहीं गए थे, केवल 2 स्पॉन्सर गए थे, क्या बाकियों ने साइन घर से किए थे या नहीं किए थे, या बाद में साइन करवाए गए रात को बुलाकर उनके स्पॉन्सर्स को, ये जांच का विषय है। इलेक्शन कमीशन तुरंत इसकी जांच करे। दूसरी चीज, राजकोट शहर, क्या तमाम शहरों से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वहां पर जो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी, ये दोनों खुल्लम खुल्ला बीजेपी के कैंडिडेट्स की मदद करते हुए पाए जा रहे हैं। राजकोट में जिस तरह से जगह जगह सरकारी इमारतों पर, सरकारी प्रॉपर्टीज पर बीजेपी के होर्डिंग पोस्टर्स लगते हैं, कैंडिडेट्स राइटिंग में कंप्लेंट करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। एक नहीं, सैकड़ों सरकार की प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजली का स्टेशन हो, चाहे कोई सरकारी इमारत हो, उनके ऊपर जिस तरह से ये सब होर्डिंग्स बीजेपी के, बार बार हम राइटिंग में कंप्लेंट्स दे रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स कंप्लेंट दे रहे हैं और सुमोटो भी इनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि भाई ये कौन परमिशन इनको दे रहा है कि आप कहीं पर भी होर्डिंग लगा देते हैं क्योंकि भाजपा का है। अब ये ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, होर्डिंग लगे, कौन से इलेक्शन अधिकारी ने इनको परमिशन दी है? और ये केवल 2-4 एग्जाम्पल नहीं, पूरे के पूरे। आप गुजरात में कहीं चले जाए, जैसे गुजरात जो है पूरी तरह से इनकी प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी हो गई है, अधिकारी जो है क्योंकि एक एक थाने में 10-10 साल से एसएचओ 8-8 साल से बैठे हुए हैं, हेड कांस्टेबल, उनको एक एक नस नस का पता है वहां पर, और पूरी तरह से वो भाजपा में हो गए हैं और खुल्लम खुल्ला भाजपा की मदद कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स की तरफ से कई कंप्लेंट और गई हैं, आज के अखबारों में भी छपा है कि कुछ अंडर ट्रायल्स को छोड़ा गया है, कुछ लोगों को पैरोल की व्यवस्था की गई ताकि वो जाकर वहां पर चुनाव को डिस्टर्ब करें, और इस बाबत इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस भी भेजा था तमाम थानों को गुजरात के, उनसे नोटिस के मामले में अपना रिप्लाई देने के बजाय उन्होंने कांग्रेस में जो लोग थे, अधिकारी थे हमारे जीपीसीसी के, उन्हीं को थाने बुला लिया, क्या आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप एक राइटिंग में कंप्लेंट और दीजिए। भाई जब इलेक्शन कमीशन आपसे रिप्लाई मांग रहा है तो थाना अध्यक्ष का फर्ज बनता है, और इलेक्शन कमीशन के आदेश पर अगर काम नहीं हो रहा है तो आज सरकार इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन इस मामले में सख्त कार्रवाई करें कि जो थाने हैं खास तौर पर उनमें साफ पता चल रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स की मदद करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटर्स को डराया जा रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी की रैलियां जहां जहां होती हैं वहां पहले ही कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा दिया जाता है। पोरबंदर में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 24-24 घंटे बैठाए रखो, अरेस्ट मत करो, क्योंकि अरेस्ट करोगे तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। हमारे वोटर्स और जो प्रभाव रखने वाले लोग हैं उस इलाके के, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप इलाका छोड़ दो, चुनाव के बाद आना आप यहां पर। पोरबंदर में 2 अधिकारी जिनका हम नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, ये कीर्ति मंदिर पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर है वीपी परमा,
बंदर कीर्ति मंदिर पुलिस स्टेशन, हम पूछना चाहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन यहां की सीसीटीवी फुटेज थाने की मंगाएगा कि कितने लोगों को लाकर बुलाकर बैठाया गया, उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ, क्या सीसीटीवी फुटेज चलती है थानों की कि नहीं चलती है, क्या वो भी पूरी तरह से कमलम का अड्डा बन गए हैं। दूसरे हैं पोरबंदर में ही छाया नगर पालिका के चीफ ऑफिसर हैं मनन चतुर्वेदी, इन लोगों का ऐसे एग्जाम्पल 50 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। इलेक्शन कमीशन इनमें ध्यान दे कि इनका जो काम करने का तरीका है वो पूरी तरह से भाजपा में है। हम राइटिंग में कंप्लेंट दे चुके हैं, जहां पर और होगा हम वहां पर भी देंगे। इसी तरह से रापर में 6 नंबर विधानसभा में वीरेंद्र सिंह जडेजा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो फादर इन लॉ है एमएम जडेजा के, जो पीआई है, सरेआम चुनाव प्रचार होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें ये सिंबॉलिक नहीं है, ये लोकतंत्र का पूरी तरह से मजाक है, मखौल है। ये इलेक्शन कमीशन में 2021 की एक कंप्लेंट है, 1 साल हो गया चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कलेक्टर को जांच के आदेश, आज तक कोई जांच नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों एक सख्त निर्देश दिया कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई कर सके। 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया, वीआरएस दिलवाई गई, क्या कारण? उसके बावजूद बीजेपी का यहां का जो सरकारी तंत्र है वो पूरी तरह से भाजपा के नेताओं के सामने नतमस्तक है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास पूरे राज्य से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो बैलेट, पोस्टल बैलेट के बैलेट पेपर मिलने चाहिए थे वो भी बहुत जगह जानबूझकर नहीं दिए हैं। इलेक्शन कमीशन इसका भी संज्ञान ले कि कौन से अधिकारी इस काम पर लगाए गए थे, क्या उन अधिकारियों ने अपना काम ठीक से किया, क्या पोस्टल बैलेट सबको मिले, ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके बारे में तुरंत वो एक्शन लें। अब 2-3 में ऐसे मुद्दे लेना चाहता हूं जो बार बार ये लोग कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। एक बच्ची का मुद्दा आया, छोटी बच्ची है, वो वोट मांग रही है भाजपा के लिए, वो चाइल्ड राइट्स कमीशन वाले लोग उसको कहां है, और अब तो उन्होंने अति कर दी। क्या मोदी जी की सभाओं में या भाजपा की सभाओं में बच्चों का उपयोग, प्रचार में बच्चों का उपयोग, उसके साथ साथ क्या हम इजाजत देते हैं? ये हमारा एक भाई है, आप लोग भी सब जानते होंगे इसको, कामा बोलते हैं, क्या कमा के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती? ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या भजन कीर्तन करने दिल्ली गया हुआ है? ना राज्य का ना केंद्र का कोई बात नहीं कर रहा। अभी तक कमा बहुत खराब थे, तब आपने मजाक उड़ाया, हमें पीसी करनी पड़ी उस पर कि भाई ऐसा मत कीजिए आप, आज आप उसी से चुनाव का प्रचार करा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। बच्चों का तमाम जगह पर ये उपयोग किया जा रहा है चुनाव प्रचार में, छोटे छोटे बच्चों का, क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर संज्ञान लेगा कि कहां कहां पर ऐसा हुआ है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे गुजरात के जो अधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन के रूल रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए सारे के सारे काम कर रहे हैं। अब सरकारी तंत्र तो लगा ही हुआ, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी काम पे चालू हो गई। अगर प्राइवेट कंपनियों के लोग कहीं पर जाकर चुनाव प्रचार कांग्रेस का कर रहे हैं, उनकी नौकरियां छीन ली जा रही। प्राइवेट कंपनी के किसी के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर में अगर सरकार के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ कोई चला जाएगा तो उसकी नौकरियां छीन ली जाएंगी। क्या यही गांधी
और बापू की जो विचारधारा थी हमारी, सरदार पटेल की जो विचारधारा थी, क्या ये वही गुजरात है कि विपक्ष के खिलाफ आवाज अगर उठा ली आपने तो आप सरकार के खिलाफ है और आपको नौकरी से छुट्टी दे दी जाए। ये 38 नंबर कलोल विधानसभा है, हमने राइटिंग में तमाम कंप्लेंट दी और इस कंप्लेंट में मूल जो है वो ये है कि फोन तक ट्रैक हो रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, पुरानी FIR को निकाला जा रहा है थानों में से, 4 साल पुरानी 10 साल पुरानी FIR उनको दिखाकर थानों में बैठाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, घंटों वहां पर बैठाया जा रहा है, एरिया छोड़ने का दबाव दिया जा रहा है और प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर धमकी दी जा रही है। हमने राइटिंग में ये कंप्लेंट दी है, कौन कौन से पुलिस थाने ऐसे हैं जहां पर ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान ले, तमाम थानों में जो CCTV कैमरे लगे हैं, फुटेज लगी है, उनको मंगाया जाए, क्या वो बंद तो नहीं किए गए हैं, और इलेक्शन कमीशन तमाम थाना अध्यक्षों को तुरंत निर्देश जारी करें कि इस तरह की धमकी देने का या किसी भी तरह का कोई काम आए और जहां पर हमने कंप्लेंट की है उसकी जांच हो, सिद्ध होता है तो तुरंत प्रभाव से ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें भरोसा है कि हमारी तमाम जो कंप्लेंट्स हैं उसके ऊपर वो संज्ञान लेंगे और जहां जहां से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं हम चाहेंगे कि उनका निराकरण निवारण जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल। आलोक जी, जयनारायण भाई व्यास आज कांग्रेस के प्रचार में दिखे, कांग्रेस के समर्थन में दिखे, क्या कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? कि बहुत से BJP के जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो लोग अंदर खाने हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। जयनारायण व्यास जी ओपन में आ गए हैं, बस फर्क इतना है तो ज्वाइन करेंगे कि नहीं ये तो उनका निर्णय है, लेकिन BJP की एक बड़ी खेप हमारी पूरी मदद कर रही है। लगभग 25 MLA या पूर्व मंत्री हैं, आप कहेंगे तो मैं लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे मदद कर रहे हैं वो भी बता दूं। यहाँ तक हालात हैं कि जो बूथ और जो गढ़ जहां पर भाजपा बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि आप आइए मंच हम देंगे आपको, हमारे कैंडिडेट ने कहा नहीं साहब वो तो इलाका पूरा भाजपा ही रहता है, हमें परमिशन नहीं मिलेगी। BJP के लोग कह रहे हैं परमिशन भी लेके देंगे और लोगों को भी बुलाएंगे आप आइए। यहां तक BJP के लोग हमारी मदद कर रहे हैं, इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता भी भाजपा को हराने में लगे। आलोक जी, एक गुजरात के लीडिंग न्यूज़पेपर में ऐसा आर्टिकल छपा है आज के, गुजरात पुलिस और जैसे आपने बताया कि गुंडों को बाहर जेल पे ले आया गया है, वो लोग पूरी तरह से MIM के स्टेज पे जाकर उनको मदद कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हम बार बार कहते हैं MIM कुछ नहीं है, बी टीम तो वापस दिल्ली चली गई, सी टीम यहाँ डटी हुई और सी टीम है MIM। 13-14 कैंडिडेट लड़ाएंगे और केवल वहां वहां लड़ाएंगे जहां पर कांग्रेस का वोट बैंक, परंपरागत वोट बैंक है, उसके बाद भाजपा के इशारे पर काम करेंगे, भाजपा के कमलम से कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करेंगे, तो BJP का प्रशासन उनकी मदद क्यों नहीं करेगा? ये सच्चाई कि MIM को भी, केजरीवाल जी को भी पूरी तरह से प्रशासन की मदद मिलती है। हम कहीं पर परमिशन मांगते हैं, हमें परमिशन मिलने में देरी होती है, उनको तुरंत परमिशन मिलती है। रोड शो करवा लो, कुछ भी करवा लो, कोई मीटिंग करवा लो, हमारे लिए तमाम तरह की बंदिशें लगाने का काम देखने को मिलता है और उनको तुरंत परमिशन मिलती है। इलेक्शन कमीशन इसका भी संज्ञान ले और हमें इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा है कि जहां जहां कंप्लेंट्स आएंगी वहां वो तुरंत कार्रवाई करेगा। आलोक जी, शंकर सिंह वगैरह बीजापुर के आपके कैंडिडेट है, CK चावड़ा, उनके साथ स्टेज पे खड़े रहकर उन्होंने पूरे तरफदारी किया है, तो क्या वगैरह जी ने ज्वाइन कर लिया है या करने वाले? नहीं, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरह से, शंकर सिंह वाघेला जी ने आज से 1 महीने पहले ही
कांग्रेस को वोट डालने का जो अपना निवेदन था वो किया था, रिक्वेस्ट की, और उनके बेटे भी चुनाव कांग्रेस से लड़ रहे हैं। इस बार मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस ही नहीं, न्यूट्रल नहीं, भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि भाजपा हारे। इनका जो अहंकार बहुत ज्यादा हो गया है, भाजपा के लोग भी जो भाजपा में अच्छे लोग हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।